हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से इलेक्ट्रोमोटिव फेस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोकंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम के कुछ और पार्ट्स के बारे में। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स होते क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट से इसके नाम से ही पता चल रहा है, सीरियल का इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, सोर्ड और सिड। सोर्ड स्टैंड्स फॉर सीरियल आउटपुट डिवाइसेस और सिड स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो सीरियल आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सेंड करते हैं डाटा को। ठीक है, और सीरियल इनपुट डिवाइसेस जो करते हैं वो डाटा का इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की। स्टैक पॉइंटर है क्या? द स्टैक पॉइंटर इज ए रिसीव रिजर्व एरिया ऑफ द मेमोरी द रैम वेयर टेम्पररी इंफॉर्मेशन मे बी स्टोर्ड। इट आल्सो यूज होल्ड द एड्रेस ऑफ मोस्ट रिसेंट स्टैक एंट्री। यानी कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो रिजर्व मेमोरी होती है उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है वो अपनी जो वर्किंग में कुछ मेमोरी को यूज़ करता है उसको यहाँ पे सेव कर लेता है। और स्टैक जो है, हमने डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टैक एक मेमोरी एलिमेंट है। जैसे कि ये एक स्टैक है, इसमें जो है रजिस्टर डिवाइडेड है। जैसे ये एक रजिस्टर है, स्टैक है। स्टैक जो है वो हमारा वर्क करता है लीफो टेक्निक पे। लास्ट इनपुट और फर्स्ट आउटपुट यहाँ पे अगर हम कोई एलिमेंट को भरते हैं या डाटा को, पहले वो ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये और फिर ये, और जो लास्ट वाला वो पहले आउटपुट होगा फिर उसके बाद इनपुट होगा। ये होता है स्टैक। स्टैक के बारे में हमने जाना। हम आगे, जैसे कि अभी हमने जाना कि सीरियल आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और स्टैक पॉइंटर के बारे में, तो अब हम जानेंगे कि एक प्रोग्राम जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को किस टाइप से एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड डाटा फ्लो इन 8085। यानी कि हमारा डाटा का फ्लो किस टाइप से होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो फर्स्ट लाइन क्या है इसकी, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम इज लोडेड इन टू द प्रोग्राम काउंटर। यानी कि हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर, हमने उसमें प्रोग्राम फीड कराना है। ठीक है, फीड हमने करा दिया, उसके बाद जो हमारा क्या होगा, जो एड्रेस लाइन्स होंगी वो एड्रेस उस प्रोग्राम के एड्रेस को लेके प्रोग्राम काउंटर के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो पहली लाइन हमें बताती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड हो गया है एड्रेस बसेस के थ्रू। 8085 sends the content of program PC as an address on the address bus and activate the RD signal control signal. जो RD signal एक high signal है, ये क्या करता है, RD signal stands for read signal, ये read कराता है। ठीक है, तो read control signal जो है ये अपने आप activate हो जाता है जब हमारा program counter के अंदर हमारा program save हो जाता है या load हो जाता है instruction। ठीक है, अपॉन रिसीविंग द एड्रेस एंड रीड सिग्नल मेमोरी पुट्स द कंटेंट ऑफ एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑन द डाटा बस विच इज अ कोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जब हमारा रीड सिग्नल भी हाई है, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम काउंटर से भी हमारा एड्रेस चला गया, अब वो एड्रेस जाता है हमारे इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको अपकोड कर लेते हैं हम। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंट टू पॉइंट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इन द प्रोग्राम सीक्वेंस। जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करता है, हमारे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपकोड कर देता है। यानी हमारे जो एक तो होता है प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उससे बाद वाले जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको अपकोड कर लेता है। रीड सिग्नल इज डीएक्टिवेट एंड अपकोड इज लोडेड इन टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एयर इंटरनल बस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। फिर हमारा क्या होता है, रीड सिग्नल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है या लो सिग्नल हो जाता है, और हमारा जो अपकोड है
वो इंस्ट्रक्चर रजिस्टर के अंदर इंटरनल बेसिस के थ्रू लोड हो जाता है। इसके बाद एक लाइन और है, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर रहे थे एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा फ्लो इन 8085। इसका लास्ट पॉइंट है, द इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डिंग यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। यानी हमारे ये सारा प्रोसीजर होने के बाद, आरडी सिग्नल डीएक्टिवेट होने के बाद, तो सारा जो प्रोसीजर होता है उसके बाद जो हमारा जो अपकोड है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो टाइमिंग एंड कंट्रोल के पास चली जाती है टू जनरेट्स नेसेसरी सिग्नल। और टाइमिंग एंड कंट्रोल जो सर्किट है, जो यूनिट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 का, वो प्रोवाइड कराती है नेसेसरी सिग्नल्स, कोई नेसेसरी सिग्नल्स को जनरेट कर देती है और हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसमें हमने अभी तक जान लिया कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में ही इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कुछ एडवाइस देनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एडवाइस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।